नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज का टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करना है, वह है धार्मिक क्रांति उदय होने के कारण, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म जो है वह किस प्रकार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उदित हुआ, या अपन कह सकते हैं कि सनातन धर्म किस तरह से विघटित हुआ, या उसके पतन के कारण क्या क्या रहे हैं, है ना। इसे हम एक क्वेश्चन को कई तरीके से देख सकते हैं और मेंस में इसी तरह सवाल को घुमा फिरा के प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि छात्र थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर पॉइंट्स के हिसाब से लिखा हुआ है, मगर आपको मैं अंत में ये भी बताऊँगा किस तरह इसको राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण के रूप में देखा जा सकता है। अगर आप चाहें अलग अलग इनको डिवाइड करके लिखना चाहें तो उसका भी पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। आइए एक एक पॉइंट की ओर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि धार्मिक क्रांति क्या होती है। धार्मिक क्रांति वह कार्य या वह क्रांति जिसमें धर्म की विषमताओं को दूर किया जाए, वही धार्मिक क्रांति कहलाती है। अब यहाँ पर इसके उदय होने के कारण के साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि इस समय में भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में धार्मिक क्रांति और समाज सुधार का दौर शुरू हो गया था। हम देख सकते हैं कि यूनान में पाइथागोरस, ईरान में जरथुस्त्र और चीन में लाओत्से और कन्फ्यूजियस जैसे महानुभाव और दार्शनिक ने धार्मिक सुधार के प्रति या धार्मिक क्रांति के प्रति अपनी मशाल को जलाए रखा। इसी के साथ अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो इस समय 62 धर्मों का उदय होते हुए दिखता है, जिनका केंद्र यहाँ पर मगध ही था। अब इनका केंद्र मगध क्यों था? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस तरह 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, उसके बाद आर्य जो हैं या फिर पूर्व वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य हैं वह जो है पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए गए, है ना। तो उन्होंने साथ साथ वनों को आग लगाया और उसी तरह प्रसारित होते गए। साथ साथ हम इसके बाद देखेंगे कि किस तरह 16 महाजनपदों का निर्माण होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि उनमें से मगध एक विशेष केंद्र बनकर उभरता है, जो कि धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरीके से महत्वपूर्ण पद प्राप्त करता है। अब हम इनके पॉइंट्स की ओर एक एक करके बढ़ेंगे। मैंने मुख्यतः धार्मिक क्रांति के उदय के धार्मिक कारण ही समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो इसमें आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत नहीं जाएगी कि सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, है ना, या फिर राजनीतिक कारण क्या थे। तो मैं आपको इसको वर्णों के धार्मिक आधार पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं पहला पॉइंट। अब वैदिक धर्मों का कर्मकांड और बलि प्रथा के लिए बहुत ज़्यादा जोर होने लगा था। आप जानते हैं इसी कारण इसने अपनी पवित्रता को खो दिया, जिससे कि वेदों के अंग अर्थात वेदांगों और उपनिषदों में भी इसकी बुराई की जाने लगी है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि मुंडकोपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। अर्थात मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि बलि जो यज्ञों में दी जाती थी बड़े पैमाने पर, उसके द्वारा ही सिर्फ मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं तो आप संपूर्ण सत्य को देखें और अपने आप में भगवान को पहचानें और साथ साथ आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि इसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू भी हैं, जिन्हें मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँगा या फिर वीडियो के अंत में बताऊँगा, जिससे आप लोग को कोई भी तरीके की परेशानी ना हो। अब साथ साथ हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, वर्ण व्यवस्था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में अर्थात पुरुषोक्त मंडल, जो कि करीबन उत्तर वैदिक काल में ही जोड़ा गया है, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था आने लगी है। याद रखने योग्य बात यह है दोस्तों कि पूर्व वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था कर्माधारित थी, मगर यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण धीरे धीरे यहाँ पर वंशानुगत होने लगा। अर्थात अब कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर वर्णों का विभाजन होने लगा। इसलिए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्गों में रोष था। अब इन तीनों वर्गों में रोष क्यों था? क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई, जिससे किसान भी मजबूत हुआ क्योंकि लोहे की फाल बनने लगी और युद्ध के हथियार भी बनाए जाने लगे, जिससे क्षत्रिय वर्ग मजबूत हुआ। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर 16 महाजनपदों का उदय होगा, इसका मतलब अब युद्ध के तरीके से ही राज्य का विस्तार होने लगेगा, इसलिए इनका यहाँ पर असंतुष्ट होना जायज़ था।
क्योंकि क्षत्रिय जो थे वह राजन थे, वह राज्य के सर्वप्रमुख और मुखिया होते थे, परंतु इसके बावजूद उनकी सामाजिक स्थिति जो थी वह ब्राह्मणों से दोयम दर्जे की थी। इस कारण वो ये सोचते थे कि संपूर्ण टैक्स जब हमारे पास आता है, संपूर्ण सत्ता हमारे हाथ में केंद्रित है, तो फिर यह पावर ब्राह्मण के पास क्यों है कि वह समाज में पहले नंबर का है। इसके साथ साथ हम देखते हैं वैश्य वर्ग के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक उदय जिसका हुआ है वह वैश्य वर्ग ही था, क्योंकि यहाँ पर लोहे की खोज हुई, तो साथ साथ कई ऐसे व्यापारी संगठनों का निर्माण हुआ जो कि लोहे या उसके साथ साथ समकक्ष धातुओं के निर्माण में प्रतिष्ठित थे। इसी कारण से वैश्य जो समाज में थे उनकी स्थिति मजबूत हुई। मगर बात क्या हुआ कि वैश्य जो थे सबसे अधिक करदाता थे, कर वैश्य ही देते थे, अधिशेष उत्पादन की स्थिति वैश्य ही उत्पन्न करते थे। मगर इनके साथ दिक्कत ये हुई कि फिर भी इनका समाज में तृतीय स्थान है। ब्राह्मण और क्षत्रियों ने अपने धर्म का बोलबाला किया, अब वैश्यों को इसमें बुरा क्यों लगा, क्योंकि यह उत्पादक वर्ग था, मतलब जो माल का उत्पादन करता है, परंतु क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग जो था वह उपभोक्ता वर्ग था, वह उपभोग करता था, इसलिए इनको दिक्कत हो रही थी। साथ साथ अगर हम शूद्र की ओर देखें तो शूद्रों के साथ तो हर तरह से दुर्व्यवहार ही हो रहा था। जहाँ पर यहाँ छुआछूत और कर्म प्रधान स्थिति को छोड़कर जन्म प्रमाण वाले स्थिति में आ गए हैं, तो यहाँ पर इनके साथ यहाँ पर दुराभाव होने लगा। इनके रहने की जगह अलग बनाए गए, इन्हें निम्न वर्गीय समझा गया, इन्हें छूना या फिर इनसे किसी भी तरीके का कोई संपर्क या संबंध रखना सभी अपराध की श्रेणी में हो गया, अर्थात समाज उसे उस टाइम में एक्सेप्ट नहीं करता था। इसलिए निश्चित तौर से जो शूद्र वर्ग है वह अपने आप को सनातन या हिंदू धर्म में होते हुए भी इस धर्म से विलग समझता था और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होने भी लगा था। अब हम देखते हैं तीसरा, वैश्य वर्ग की असंतुष्टि। अब हम सभी जानते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से द्वितीय नगरी क्रांति चालू हो जाएगी। द्वितीय नगरी क्रांति, हम सभी जानते हैं कि प्रथम नगरी क्रांति कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता का, और उसके बाद जो वैदिक काल आता है याद रखना वो ग्रामीण सभ्यता है। मगर यहाँ पर द्वितीय नगरी क्रांति फिर से देखने को मिल जाएगी, जिसका कारण क्या था, द्वितीय नगरी क्रांति होने के कारण या फिर इसका मुख्य कारण लोहे की खोज था, जिसके कारण लोग बड़े आसानी से जंगलों का सफाया कर रहे थे लोहे के उपकरण और कुल्हाड़ी बनाकर। कृषक जो है हल में फाल के रूप में लोहे का प्रयोग करता था, जिससे बार बार लकड़ियों के टूटने की दिक्कत भी खत्म हो गई और जोत का आकार भी बढ़ गया, जिसके कारण अधिशेष उत्पादन की स्थिति होने लगी। तो इस कारण वैश्य वर्ग का उदय हुआ, परंतु उसके असंतुष्टि का कारण ये था कि टैक्स सबसे ज़्यादा वैश्य वर्ग ही देता था। उसके बावजूद समाज में उसकी स्थिति जो थी वह तीसरे स्थान पर बनी रही। साथ साथ दिक्कत की बात यह हुई कि आप सभी जानते हैं कि वैश्य वर्ग में हर चीज़ उत्पादन और अधिशेष करने के लिए ब्याज ऋण लेना और देना पड़ता ही है, क्योंकि किसी इंसान के पास एक समय पे इतना धन नहीं होता है कि वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था अपने ही हिसाब से चला पाए। मगर यहाँ पर जो है हमारे सनातन धर्म या फिर तत्कालीन धर्म ने जो है महाजनी प्रथा को निषेध कर दिया, अर्थात ब्याज लेना और ब्याज देना जो है वह धर्म के अनुकूल नहीं था, जिसका फायदा बौद्ध और जैन धर्म उठाते हैं। उन्होंने स्थिति के अनुसार कह दिया, सीधे सीधे कह दिया कि भाई हम महाजनी प्रथा को धार्मिक तरीके से सत्य मानते हैं, यह होना ही चाहिए। इसलिए वैश्य वर्ग जो थे वह उधर खींचते चले गए। इसके अलावा शूद्र वर्ग के साथ क्या हुआ, शूद्र वर्गों के साथ तो पूरा अत्याचार हो ही रहा था, इन्हें समाज से विलग कर दिया गया, इनके रहने खाने सभी का स्थान दूर कर दिया गया, इन्हें छुआछूत जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ गया। तो इनके मन में ये मानसिकता आई कि जिस धर्म को अपनाया है उस धर्म ने हमको अपनाने से इनकार कर दिया, अतः इनको धार्मिक असंतुष्टि उत्पन्न हुई, जिसका फायदा बौद्ध और जैन धर्मों ने उठाया। उन्होंने वर्ग विहीन समाज की उत्पन्न या उनकी स्थिति के बारे में वर्णन किया। उन्होंने कहा है कि कोई भी वर्ण हो हम उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, आपका स्वागत है। तो ये होता है, ठीक है, ये देखिए जैसे इसका एक पॉइंट बता दिया। साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि शूद्रों को जो है वैदिक संहिताओं या धार्मिक ग्रंथों में मोक्ष का अधिकारी नहीं माना गया है, साथ साथ उनका यज्ञों और हवनों आदि में
उपस्थित होना भी नकार दिया गया है। जिस तरह आज भी चलता है कई जगह पे कि मंदिरों में शूद्र वर्गों का प्रवेश करना मना है, है ना, वैसे ही उस टाइम भी ऐसा था। इसी सामाजिक सुधार के लिए यहाँ पर विद्रोह की एक लहर उठी जो कि धार्मिक क्रांति का कारण बनती है। साथ साथ 62 से अधिक धर्मों का उदय होता है इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर अंधभक्त और छुआछूत ये सब समस्याएं इतनी अधिक बढ़ गई थी कि लोगों को उसे एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो गया था। आप सभी जानते हैं कि धर्म वही होता है जो मानव की रक्षा कर सके, परंतु शूद्रों के साथ ऐसा नहीं था। शूद्रों को न तो मोक्ष का अधिकारी माना गया, न तो यज्ञों का अधिकारी माना गया, साथ साथ इनके साथ निंदनीय और छुआछूत जैसा व्यवहार किया गया। तो वह उस धर्म में क्यों रहेंगे जो धर्म उन्हें अपनाने से इनकार करता है। इसलिए यह प्रमुख कारण हुआ कि शूद्र वर्ग जो है वह बौद्ध और जैन जैसे धर्मों की ओर खींचता चला गया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्षत्रियों का ब्राह्मण के प्रति असंतुष्ट होना। हम सभी जानते हैं कि 1000 ईसा पूर्व में जब लौह धातु की खोज हुई अंतरजी खेड़ा से, उसके पश्चात दिक्कत ये आई कि यहाँ पर जो छोटे छोटे जन थे, कबीले थे, अब वह बड़े बड़े महाजनपदों में तब्दील होने लगे, अर्थात राजा की शक्ति में निरंतर वृद्धि हुई। अब वह अस्थायी सेना की जगह स्थायी सेना रखने के लिए सोचने लग गया, तो उसका निश्चित तौर से उसका प्रभाव समाज में सबसे अधिक था। परंतु दिक्कत यही हुई कि अगर धार्मिक कर्मकांडों के तरीके से देखें तो ब्राह्मण ने अपना वर्चस्व पहले ही स्थापित कर रखा था, जिसके कारण ब्राह्मण बड़ी मोटी रकम अर्थात 240,000 गायें राजसूय यज्ञ में देने के प्रमाण मिलते हैं ब्राह्मणों को। इसके अलावा धन संपदा और जमीन की तो बात ही छोड़ दो। तो दिक्कत यही बात की है कि क्षत्रियों ने सोचा कि समाज में सर्वशक्तिशाली हम हैं, राजा हैं, मगर प्रभुत्व किसका है? ब्राह्मणों का। इसलिए उन्होंने असंतुष्ट होकर बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का उदय किया। हम सभी को पता है कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जैसे जो महान आदमी थे वह क्षत्रिय धर्म से ही संपर्क रखते थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो उपनिषद है, उपनिषद उसका निर्माण भी क्षत्रिय धर्म के लोगों ने ही किया है ना। तो ये स्थिति थी कि उन्होंने खुद को, मतलब क्षत्रियों ने ब्राह्मणों से ऊपर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इनके मतों का खंडन किया है। अब अगले पॉइंट की ओर देखें तो कृषि मूल अर्थव्यवस्था में किसानों का असंतुष्ट होना। अब ये कैसे हुआ? तो हम सभी जानते हैं कि जिस तरह लोहे की खोज हुई, उसके बाद वनों को निरंतर काटा गया और जमीन में अर्थात कृषि योग्य जमीन में विस्तार होता चला गया, जिससे अधिशेष उत्पादन की स्थिति बनी। परंतु दिक्कत इसी बात की थी कि किसानों के साथ दिक्कत थी। पहली बात तो भाई बलि होती थी, बलि में राजा जो है वह बहुत सारे पशुओं का बलिदान कर देता था, अर्थात बलि प्रथा बहुत ही अधिक चरम पर थी। तो इसका घाटा जो है किसके साथ होता था? इसका घाटा होता था किसान और वैश्य वर्ग के लोगों को जो कि उत्पादन के कार्य में लगे हुए होते थे, क्योंकि उनको बिना पालतू पशु के, हम सभी जानते हैं कि बिना पशुओं के यहाँ पर खेती और खेत से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका असंतुष्ट होना यहाँ पर जायज हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भाषाई विषमता। अब भाषाई विषमता किस तरह थी? तो ब्राह्मण धर्म में लोगों ने, जैसे जो भी हैं ब्राह्मण वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने संस्कृत में अपनी विशिष्ट पकड़ बना के रखी थी। और हम सभी जानते हैं कि जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं वह सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, तो इसलिए उनका जो भी वर्णन है और लाइन जो भी हैं वह सभी ब्राह्मण धर्म के लोग ही सबको डिस्क्राइब किया करते थे, अपनी भाषाओं को तोड़ मरोड़ के भी कभी कभी पेश करते थे इस कारण। परंतु दिक्कत ये थी कि जो जन साधारण था अर्थात सामान्य जो लोग थे, उनकी बोलचाल की भाषा पाली और प्राकृत भाषा थी, अतः उन्हें संस्कृत भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई बनती थी। फलस्वरूप इसका फायदा किसने उठाया? ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने। उन्होंने कहा कि वेद हमारे पर्सनल वो हैं, इनका डिस्क्राइब करने में सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है, क्योंकि संस्कृत वो बहुत अच्छे से समझते थे। तो यहाँ पर इसी कारण भाषाई विषमता आई, क्योंकि वैदिक भाषा सामान्य जन की भाषा नहीं थी, वह समझने में तत्पर नहीं थे, इसका फायदा ब्राह्मण ने उठाया, परंतु आम जन की भाषा पाली और प्राकृत की भाषा थी। तो अब हम यहाँ पर पकड़ सकते हैं पॉइंट कि आम जन की भाषा पाली और प्राकृत थी, और याद रखिए बौद्ध और जैन धर्म की भाषा भी पाली और प्राकृत थी। तो उन्होंने आम जन को अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए, अपने धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश जो है प्राकृत और पाली भाषा में दी है,
जो कि डायरेक्ट आम जन को समझ में आए और उनके लिए सहूलियत रहे। इस कारण से लोग खिंचते हुए बौद्ध और जैन धर्म की ओर प्रस्थान कर गए। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इन 62 धर्मों के उदय के साथ साथ इन संप्रदायों का भी उदय हुआ, जिसमें कुल 5 संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला पूरन कश्यप, जो कि घोर अक्रियावादी थे। इनका कहना था कि चोरी डकैती लूटमार हत्या कोई भी चीज़ अनैतिक नहीं है, सिर्फ अपना जीवन जीना ही नैतिक है। उस अपने जीवन को जीने के लिए जो भी कार्य करना पड़े वो करो। तो उस जमाने में इनसे भी कई लोगों ने संयोगवश अपनी भावनाओं का विस्तार किया और इस तरफ भी खींचते हुए चले आए। सेकंड पॉइंट देखते हैं, मखलीपुत्र घोषाल। यह नियतिवादी थे, अर्थात नियतवादी क्या कहलाता है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहना, जो भाग्य में है वो मिलेगा, हमें अपना कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे हम जितनी भी मदद करें, चाहे हम जितना भी कर्म करें, फल वही मिलेगा जो भाग्य में लिखा है। तो ये होता है नियतिवादी, नियतिवादी विचारक के, जिन्होंने आम जन खासकर निम्न समुदाय के लोगों को अपने प्रति आकर्षित किया कि हम मोक्ष और तप के चक्कर में अपनी हर चीज़ को, हर सुविधाओं का त्याग कर रहे हैं, परंतु हमें यह पता ही नहीं कि भगवान कोई है भी या नहीं, इसलिए जब तक हो अगर भाग्य में लिखा है तो सुख मिलेगा वरना दुख मिलेगा, ऐसी इनकी भावना थी मखलीपुत्र घोषाल की। इसके अलावा अगर हम देखें तो अजीत किशकम्बलिन, ये यदृच्छावादी थे, साथ साथ भौतिकतावादी थे। इन्होंने कहा कि संसार में सभी चीज़ें जो हैं वह भौतिक हैं, इन चीज़ों का सुख लेना चाहिए और इन चीज़ों का सुख कैसे भी लो, चाहे यह धार्मिक हो या अधार्मिक हो, नैतिक हो या अनैतिक हो, जो आपकी इच्छा पड़े, यदृच्छा मतलब जो आपकी इच्छा पड़े वह कार्य करो। इसलिए भौतिकतावाद के ये पुरजोर समर्थक थे, अर्थात अगर भगवान ने कोई चीज़ इस विश्व में बनाई है तो आप निश्चित तरीके से उसका उपयोग करें। अब देखते हैं पगुत कक्षायन के बारे में। ये भी भौतिकतावादी थे, अर्थात इनका भी जो कथन था यही था, भगवान ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो वो चीज़ बेकार तो नहीं हो सकती, इसलिए हम यह छोड़ना सोचना छोड़ दें कि यह चीज़ नैतिक है और अनैतिक है, निश्चित तरीके से इसका प्रयोग करें। साथ साथ इन्होंने तो परलोकवाद को ही नकार दिया। इन्होंने कहा कि इस चक्कर में मत पड़े रहो कि अच्छा काम करने से मोक्ष मिलता है ना, क्या पता परलोक है भी कि नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि जब तक जीवन है अच्छे से जियो, जितना सुख है उतना सुख का उपभोग करो, कोई धर्म और अधर्म, नैतिक और अनैतिक कर्म नहीं होता है। इसके अलावा हम देखें तो पांचवा जो पॉइंट है वह संजय विट्ठिल पुत्र के बारे में। अब ये कौन थे, तो ये अनिश्चयवादी थे और संदेहवादी थे। इन्हें संसार की हर चीज़ में संदेह था और ये हर चीज़ को अनिश्चयवादी समझते थे, अर्थात कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है इनके अनुसार, साथ साथ संदेहवादी। इन्होंने तो भगवान के ऊपर ही संदेह कर दिया, क्या पता भगवान है कि नहीं, क्या पता मोक्ष मिलता है कि नहीं, क्या पता स्वर्ग है भी कि नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि यह काम अच्छा है कि यह काम खराब है, यह नैतिक है और अनैतिक है। इन्हें हर चीज़ में संदेह की दृष्टि से देखने के कारण संदेहवादी विचारक के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे धार्मिक क्रांति के महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं, यूनान में पाइथागोरस ने धार्मिक क्रांति के लिए किया। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनान में धार्मिक क्रांति के कारण के रूप में माना जाता है, या किनके द्वारा धार्मिक क्रांति या सामाजिक क्रांति की गई। तो हम सभी जानते हैं, यूनान में पाइथागोरस, ईरान में जरथुष्ट और चीन में लाओत्से और कन्फ्यूशियस जैसे महानुभाव और दार्शनिकों ने सामाजिक और धार्मिक क्रांति के लिए कदम उठाए। साथ साथ अगर हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 62 धर्मों का उदय मिला। दोस्तों, इस बात में विवाद है क्योंकि अधिकतर पुस्तकों और अधिकतर इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार धर्मों का वर्गीकरण किया है, परंतु हम यहाँ पर 62 धर्मों का उदय मानते हैं क्योंकि यह अधिकतर क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है और 62 ही सही आंसर होता है, जिनका केंद्र, याद रखिएगा, राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक केंद्र भी मगध की ओर प्रस्थान कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वैदिक धर्मों का कर्मकांड और बलि प्रथा, यह आपको याद रखना है। अब इसका फायदा बौद्ध और जैन धर्म ने किस तरह उठाया उस पर बात करते हैं। तो इसका फायदा इस तरह उठाया, उन्होंने हिंसा को नकार दिया, बोला भाई हिंसा किसी भी धर्म में जायज नहीं है, हमारे धर्म में किसी तरीके की हिंसा
नहीं होगी, इसलिए वैश्य और शूद्र वर्ग जो था वह उनकी ओर आकर्षित हो गया, क्योंकि यही किसान थे, यही उत्पादक वर्ग थे। इन्होंने, इनको पता था कि भाई अगर इनका या इनके पालतू पशुओं को बलि के रूप में चढ़ा दिया जाएगा तो ये खेती किस तरह करेंगे, ये अपना निर्वाह किस तरह करेंगे, जबकि उत्तम वर्ग जो हैं अर्थात क्षत्रिय और ब्राह्मण जो हैं उनके पास तो काफ़ी धन संपदा है, वह अपना निर्वाह कर लेंगे, मगर वैश्य और शूद्र जैसे लोग है ना, वह अपना निर्वाह किस तरह करते। तो इसका फ़ायदा बौद्ध और जैन धर्म में उठाया, उन्होंने हिंसा को अनैतिक घोषित कर दिया और कहा हिंसा और बलि जैसे कार्य किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता था उत्तर वैदिक काल में, तो हम बोलेंगे वैश्य, ठीक है। महाजनी प्रथा किसमें निषेध की गई है, तो महाजनी प्रथा सनातन धर्म या तात्कालिक धर्म में निषेध कही गई है, जबकि याद रखने योग्य विषय यह है कि बौद्ध और जैन धर्म में जो है महाजनी प्रथा स्वीकृत तरीके से अपनाई गई है, अर्थात वहां पर महाजनी प्रथा की जा सकती है, इस कारण वैश्यों ने उधर का रुख लिया, ठीक है। इसके अलावा समाज का वह कौन सा वर्ग था जो यज्ञों और मोक्ष का अधिकारी नहीं था, तो वह शूद्र वर्ग था, ठीक है, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। इसके अलावा हम देखें तो वैदिक भाषा कौन सी थी, अर्थात वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, अगर ये क्वेश्चन आए तो आप सबको संस्कृत भाषा टिक लगानी है, जबकि आम जन की भाषा क्या थी, तो पाली और प्राकृत। दोस्तों अगर आपने इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे समझ लिया तो निश्चित तौर से आप काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आसानी से हल कर पाएंगे। इसके अलावा नास्तिक समुदाय के उदय में ये सभी पॉइंट्स जो हैं वह प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि घोर अक्रियावादी के प्रवर्तक कौन थे, तो पूरन कश्यप जी। नियतिवादी के विचारक कौन थे, मखलीपुत्र घोषाल। यदृच्छावाद किसे कहा गया, देखिए भौतिकतावाद दोनों में है, इसलिए पॉइंट क्या याद रखना है, यदृच्छावाद किसका है, तो अजीत केश कम्बलिन का है। उसके अलावा पगुत कच्चायन ने परलोकवाद को ही नकार दिया, इन्होंने भगवान के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा। इसके अलावा संजय वेल्टली पुत्र, इन्होंने अनिश्चयवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, साथ साथ ये संदेहवादी विचारक भी थे। तो अगर दोस्तों अब आपको ये भी देखना है कि अगर आप इसमें पॉइंट्स में चाहें कि राजनीतिक हमको चाहिए कि आर्थिक चाहिए सामाजिक चाहिए धार्मिक कारण चाहिए, तो इसको आप बड़े आसानी समझ सकते हैं, है ना, ये धार्मिक कारण हो गया, ठीक है। अब क्षत्रिय वर्गों का ब्राह्मणों के प्रति असंतुष्ट, ये राजनीतिक कारण हो गया, ये दोनों धार्मिक कारण हो गए शूद्रों के लिए, जबकि ये सामाजिक कारण कहला गए। तो दोस्तों इसको ऐसे ही सिंपल तरीके से आप देखकर और डिस्क्राइब करके आप समझ सकते हैं कि इसमें इन सभी के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित तौर से इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।